नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें दरभंगा में जो राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है उसमें सभी की आकांक्षा होती है, जो दल की सेवा करते हैं कड़ी कर्तव्य और निष्ठा ईमानदारी से, उनकी अपेक्षा होती है कि वो दल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। चुनाव के समय में हमारे साथ राजा पासवान है जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं, और हम एक बात बता दें राजा पासवान की ये लगातार कार्य करते रहे हैं क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के, कई भी कार्यक्रम जो पटना से लेकर के रैली भी निकली थी उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। अब वो समय आ गया है जो रिटर्निंग लेने का, जो कि एक नेता कार्यकर्ता की इच्छा होती है। आज आपने कितने लोगों को किया है दल में शामिल? अब लगभग आज जो है राष्ट्रीय जनता दल में विभिन्न दलों के लोग, वे एलजेपी के लोग थे और जदयू के कहीं ना कहीं सदस्यता लिए थे, कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए थे, उस सभी जो हमारे छोटे भाई हैं सभी तेजस्वी यादव में, आदरणीय लालू प्रसाद जी में, आदरणीय भोला बाबू में, सभी में आस्था व्यक्त किए और पार्टी संगठन के जो सिद्धांत है, रूपरेखा है, उसके प्रति वे पूरा निष्ठा अपना व्यक्त किए। और हम इसी दरमियान में हम सभी लोगों को आज माननीय विधायक आदरणीय भोला बाबू के नेतृत्व में सभी को राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता दिलाने का काम किया। राजा जी, कुछ तो एक होगा शोर तो आपका कि आपने भी लगातार राजद की सेवा की है, तो दिन से जबकि बड़े बड़े नेता राजद छोड़ के चले गए हैं, तो क्या है आप, क्या इच्छा है, आगे क्या कदम होगा? आप कुशेश्वर स्थान से टिकट लेने की बात चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल को कितने सीटें मिल रही हैं और आप कहाँ से उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, लगभग मेरा जन्म ही राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है, मैं शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही हूँ। विगत 20 वर्षों से संगठन का काम मैं कर रहा हूँ और 10 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर रह करके संगठन का सुचारू रूप से काम करता हूँ। जो भी पार्टी का निर्देश होता है उसको पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से निर्वाह करता हूँ। आप लोग भी देखे हैं कई कार्यक्रम हो या जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक का, और जहाँ तक उम्मीदवारी की बात है तो वह हम एक सच्चा सिपाही होने के नाते हम लोग कोई बहुत बड़ा चाह नहीं, पार्टी निर्णय करेगी, राष्ट्रीय जनता दल निर्णय करेगी कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, हमारे शीर्ष नेता निर्णय करेंगे। आप आवेदन, आप वहाँ बायोडाटा जमा किए हैं? आप बायोडाटा हमने जमा किया है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लिए, और ये निर्णय हमारे शीर्ष नेता, हमारी पार्टी को करना है। मैंने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाया है। अगर कुशेश्वर की जनता पूछेगी कि आपने क्षेत्र में क्या काम किया है और चुनाव के समय सीधे आ गए टिकट लेने के, तो क्या जवाब दीजिएगा? लगभग विगत 20 वर्षों से मैं संगठन का काम कर रहा हूं और कुशेश्वर स्थान के एक एक जमीन से मैं जुड़ा हुआ हूं। वहां पे 20 वर्ष से पार्टी संगठन, पार्टी कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, एक एक गाँव मैं जाता आता रहा हूँ और वहाँ के कई बार चुनाव का मैं प्रभारी भी रहा हूँ। कुशेश्वर स्थान से हमारा बहुत नज़दीकी संबंध है, वहाँ के लोगों से, वहाँ के कार्यकर्ता से, राजद के जो पदाधिकारी हैं उनसे हमारा एक पार्टी स्तर से तो संबंध है ही, एक व्यक्तिगत विचारधारा का भी संबंध हम लोग का जुड़ा हुआ है, अपनापन का संबंध जुड़ा हुआ वहाँ के मिट्टी से, वहाँ के स्थान से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के किसान भाइयों से, वहाँ के युवा भाइयों से, राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाहियों से, सभी से एकदम एक व्यावहारिक संबंध हमारा कायम है। राजा जी, एक बात और है, राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े कद्दावर नेता यहाँ से चले गए दूसरे दल में, वो सबको कह रहे हैं कि जदयू में शामिल होने के, आपको भी तो निमंत्रण मिला होगा जदयू में आने का? मैं तो शुरू में कह दिया कि मेरा जन्म राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है और लगता है मरण भी राष्ट्रीय जनता दल में होगा। राजा पासवान राष्ट्रीय जनता दल के हैं, कुछ कार्यकर्ता आप क्यों आए हैं इस दल में? जी, हम इसलिए आए हैं कि पिछले विगत 15 सालों से देखते हैं कि नीतीश सरकार जी गवर्नमेंट रही है, हम लोग जो है बेरोजगार आदमी हैं, पढ़ लिख के भी कुछ हम लोग को नहीं हो पाता है, कोई वैकेंसी अगर निकलती है, एग्जाम डेट आता है, परीक्षा भी होती है, लेकिन जो इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस बार हम लोगों ने जोर शोर लगा रखा कि तेजस्वी भैया की सरकार बनाएंगे, इसीलिए क्या लगता है इस बार क्यों आप दल संस्था लिए हैं? जी, बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही बिगड़ गया है। लालू जी के समय में जितने भी टीचर बहाल हुए वो सब अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उस समय हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे IAS और IPS में कंप्लीट करते थे, लेकिन आज इतनी परिस्थिति बिगड़ गई है, जो कोई IAS और IPS का तो सपना छोड़ दे,
कोई सरकारी स्कूल का टीचर अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाना कभी नहीं चाहेंगे, वो हालत बिगड़ गई बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। क्या लगता है जो बिहार की परिस्थिति है, प्रदेश से नेता हैं, क्या लगता है क्या क्या स्थिति हो गई है राजद का अभी के? राजद की स्थिति बहुत अच्छी होगी इस बार, चूँकि सामाजिक न्याय के पुरोधा थे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और सामाजिक न्याय की बात करने वाले थे, चूँकि अभी के डेट में देख रहे हैं कि सारा चीज़ निजीकरण के तरफ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा पे कम ध्यान दे रहा है, मतलब जितने भी अभी जो नल जल योजना हो रही है, मतलब सारा कार्य जो है अभी जनता के विरुद्ध में हो रहा है, जनता उससे खुशी नहीं महसूस कर रही है, अपने आप को मतलब अस्वस्थ महसूस कर रही है किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। तो देखा जाए कि इस बार हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा, और हम लोग जो है यहाँ पे भाई राजा पासवान के नेतृत्व में यहाँ आए हैं, और भाई राजा पासवान को हम लोग चाहते हैं कि इस बार कुशेश्वर स्थान जो है 78 विधानसभा क्षेत्र से हम लोग भारी बहुमतों के साथ जो है विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। तो हम बता दें इस बार चुनाव की मधुबनी से आए हैं, मधुबनी से आए हैं क्या अपना? जी मेरा नाम धनवीर पासवान है, मैं जेपी आंदोलन 1974-75 से ही क्रियाशील हूँ, और मैं सक्रिय भागीदारी दिया था 74 आंदोलन में। परिणाम तो छात्रवाद संघर्ष वाहिनी, जनता दल, विभिन्न संगठन से जिला और स्टेट स्तर तक अभी जो आज मैं आदरणीय भोला बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करने के लिए मधुबनी से दरभंगा आया हूँ। मेरी निष्ठा, मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में है, और मैं उनके भोलाओं के समक्ष आकर के अपना योगदान राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की घोषणा कर रहा हूँ। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार निष्ठावान हैं बहुत दिन से, क्या लगता है? देखिए, यदि हम सरकार की बात करेंगे तो यदि जमीनी स्तर पर बात की जाए तो जितने भी सरकार हैं बैठेंगे उस सरकार से जो मेन गरीब है, जिसको हम गरीब कहते हैं, जो रोज कमाते हैं और उसके बाद वो शाम में घर जाते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि मेन जो गरीब है, जो 400 रुपया रोज कमाते हैं और शाम में घर जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि एक परिवार में 400 रुपया रोज कमाते हैं और 12 आदमी को खिलाते हैं, आज ये सोचिए क्या 100 रुपया लेके जाते हैं तो 2 किलो सब्जी भी नहीं होती है। 1 किलो आप भिंडी लीजिए, 1 किलो गाजर लीजिए, 1 किलो आप कोई भी चीज लीजिए, तो 100 से कम में होती नहीं है। तो आप बताइए, एक परिवार में 400 रुपया में 100 रुपया यदि सब्जी में दे दिया जाए, बाकी बचता है 300 रुपया। उस 300 रुपया में अगर घर में खाना है, 1 किलो यदि चावल लेने जाइए तो 70 रुपया का चावल है, आप दाल लेने जाइए तो 80 रुपये की है, आप आटा लेने जाइए तो भी 30 रुपये की है। आप सोचिए कि 400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति एक परिवार वो 12 सदस्य को कैसे खिला पाएगा? उसके बाद पढ़ाई है, लिखाई है। जो गरीब आदमी मेन आदमी है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उसको क्या सुविधा है? जो बच्चा स्कूल जाना चाहता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, कहीं भी आप जाके किसी भी बिहार के किसी भी गांव में किसी भी स्कूल में जाके देख लीजिए कि जो जमीनी स्तर के जो गरीब हैं उनका बच्चा आज भी रोड पर है। तो बताएं नीतीश कुमार कि आपने क्या किया और इस बिहार को आपने क्या किया? आप बोलते हैं कि 15 साल पहले, अब 15 साल बाद, तो 15 साल तो आप ही थे, लेकिन जो लालू जी ने किए हैं हम लोग के लिए, वो शायद पूरे बिहार के पूरे भारत में वैसा शख्स आज तक न कोई पैदा लिया है न लेगा। तो हम बता दें, सभी की निगाहें लालू प्रसाद यादव पर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल में बंद हैं, उनके कार्यकर्ता नेता पूरे जगह क्षेत्र में घूमकर अपने अपने नेता के लिए कार्य कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कार्य कर रहे हैं।
लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव जेल में है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को कई रणनीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जेल से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत हो सकता है, उसके कार्यकर्ता नेता एक जगह संगठित हो सकते हैं, लेकिन जेल में रहने के बाद निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिला। देखते रहे मिथिला मस्त न्यूज़ का हर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।